इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजल 2024 इसके लिए क्या वेंडर हो सकता है उसके बारे में, एंड देन जो उसकी जो क्रूशियल डेट होगी उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैलेंडर आपको कोई पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलेगा, आप साइट खोलिएगा वहाँ पे आपको कैलेंडर में चुपचाप इन्होंने एक अपडेट कर दिया है। सीजल की जो डेट है नोटिफिकेशन की वो है 24 जून, एंड एमटीएस की डेट है वह 27 जून। अब इसे इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी को मिल चुका है कि एक साथ दो फॉर्म भरे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों के फॉर्म जो है ऑलमोस्ट जो है पूरा टाइम एक साथ भरे जाएंगे। सीजल की डेट वही है सितंबर एंड अक्टूबर, जो एमटीएस है उसकी डेट यहाँ पे काफ़ी पोस्टपोन हुई है अक्टूबर एंड नवम्बर। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में कि भाई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी वेंडर ये सब क्या हो सकता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैंने काफ़ी पहले ये चीज़ आपको बताई थी, ये चीज़ आप चेक खुद भी चेक कर सकते हैं। आप 2018 का स्टेटस चेक कर लीजिएगा, एसएससी हो या कोई भी एजेंसी हो, मैंने चेयर आरआरबी में भी देखी है, फाइनली वो कभी नहीं बताते कि भाई ये एजेंसी हमने फाइनलाइज की है। अब इसके पीछे का रीज़न आई थिंक कुछ सिक्योरिटी रीज़न होता होगा, आई डोंट नो, कि वो चीज़ कभी बताते नहीं है। ये चीज़ आप एसएससी में भी चेक कर सकते हैं। एसएससी ने आज तक हो गया 2018 में टेंडर मिला था, लगभग 5 साल हो चुके हैं, कभी भी ये बताया नहीं है कि भाई TCS ही एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है। सो ये चीज़ कभी आई डोंट नो कि आगे भी एसएससी बताएगा कि नहीं बताएगा। अब यहाँ पे दो केस हमारे पास बनते हैं, पहला केस कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी चेंज हो गई होगी, तो अब क्योंकि जून तक इनको एजेंसी डिसाइड करना ही था, अब उसके लिए क्योंकि जून के बाद से जो है, मैंने ये भी आपको पहले बताया था कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जून के बाद ये जो टेंडर है वो एक्सपायर हो जाता, नया टेंडर इनको निकालना पड़ता, तो नया टेंडर इन्होंने निकाला नहीं है, तो ऑब्वियसली टेंडर जो है डिसाइड हो चुका है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर वो इतना इशू नहीं है, लोग कहेंगे हाँ भाई क्वेश्चन पेपर का तो इशू होता ही है कि भाई क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। मेन इस चीज़ होती है कि भाई एग्ज़ाम वेन्यू, इसका टेंडर किसको मिला है, और वही मेन चीज़ होता है। बाकी अगर वहीं से चीज़ें ख़राब हो जाएं तो काफ़ी बुरी प्रॉब्लम आ जाती है। जो मेन हमारे पास है वो था TCS और एडुकोटी। एडुकोटी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप सर्च कर सकते हैं, MP में इनका काफ़ी नाम है, काफ़ी अच्छे अच्छे कांड इन्होंने करके रखे हैं MP में, तो इनका काफ़ी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा नाम है। TCS आप सभी जानते हैं, ऐसा कोई TCS ये नहीं है कि भाई फुल प्रूफ है, बट कंपेयर टू एडुकोटी TCS लाख गुना बेटर है, एंड TCS ही नंबर 1 पे चल रही थी। होप सो हम प्रे करते हैं कि भाई TCS को ही मिला हो, नहीं तो नीट के बगल में SSC वालों को भी खड़ा होना पड़ेगा स्कैम के लिए ऑब्वियसली, और नीट के केस में तो टीचर्स भी साथ है, SSC में तो वो भी नहीं कुछ बोलने वाले। पर चलो ये तो हो गया केस कि भाई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी किसी और को मिला हो या ये सारी चीज़ें, बट एक दूसरा केस भी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सेम टाइम पे इसी टाइम पे आपको एक एग्ज़ाम और देखने को मिलेगा जिसको चांसेस, ये है आपका ALP का एग्ज़ाम और ये आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम। ALP का जो CBT 1 है वो 30 जनवरी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो डेट इसकी मेंशन है वो है मंथ जून एंड अगस्त में इसका CBT 1 शेड्यूल किया गया था। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है कि भाई इसकी एग्जैक्ट डेट क्या होगी या मंथ क्या होने वाला है, बट क्योंकि अब रेलवे में भी जो टेंडर है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका होगा, उसका भी जो फाइनेंशियल बिड है वो ओपन हो चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में जो इसका एग्ज़ाम है वो हो सकता है, केवल एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर जो टेंडर है वो TCS को ही मिला होगा तो डेफिनेटली MTS के एग्ज़ाम और ALP के एग्ज़ाम एक साथ हो नहीं सकते हैं, तो अगर जो टेंडर है वो TCS को मिला हो तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि डेट्स वाई जो एग्ज़ाम है MTS का वो यहाँ से हटा दिया गया हो। MTS का एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर मेंशन है, अक्टूबर में तो एग्ज़ाम होना है, वो टेक्नीशियन का भी होना है अक्टूबर एंड दिसंबर। अब देखते हैं कि भाई इसमें किसको टेंडर मिला है किसको टेंडर नहीं मिला है। ऑफिशियल आंसर तभी पता चलेगा जब, अब जैसे CSL तक तो भाई TCS ही है या तो श्योर शॉट है, उसके बाद जब एडमिट कार्ड स्टेटस आएंगे या एडमिट कार्ड आएगा आपका मेन CGL का, तभी पता चल पाएगा कि भाई क्या चीज़ें हुई क्या चीज़ें नहीं हुई, अदरवाइज हम केवल गेस कर सकते हैं। या अगर कभी SSC RTI में इसका आंसर दे दें
हावेवर काफ़ी मुश्किल है कि एसएससी आरटीआई में आंसर दे, बट अगर एसएससी आरटीआई में इसका आंसर देता है तभी हम कुछ इस बारे में बता सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले शुभम जैन सर ने भी आरटीआई लगाई थी, उसमें एसएससी ने कहा था कि अभी जो वेंडर है वो डिसाइड नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, आई थिंक 10-15 दिन पहले ही उन्होंने वीडियो बनाई थी। तो पता नहीं इसमें क्या सीन है क्या सीन नहीं है, कि भाई टीचर्स को दिया गया है किसको दिया गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ बताई नहीं जाती है। अगर एसएससी बता ही दे या साइट पर कुछ अपडेट कर दे तो सभी को पता चल जाए, अदरवाइज़ हम केवल गेस कर सकते हैं या कुछ और आरटीआई लगा के अगर एसएससी आरटीआई में जॉब देता है तभी कुछ पता चलता है, अदरवाइज़ जब सीजल का एग्ज़ाम आएगा तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बाकी रही बात एज की, तो सीजल के लिए मैं 90% से भी ऊपर से होनूँ कि एज आपकी 1 अगस्त होने वाली है। बाकी एमटीएस का भी मुझे लगता है कि भाई एज आपकी 1 अगस्त ही होने वाली है, सीजल के तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि उसकी जो एज है अब 1 अगस्त ही होगी। बाकी आप क्या सोचना बता सकते हैं। नेक्स्ट है।